देखिए, पूरी दुनिया में अगर किसी के नाम से पहले भगवान लगता है जी, तो वो बुद्ध के नाम से पहले ही लगता है जी। और वही भगवान है। जैसा कि आपने कहा, कुछ लोग कहते हैं भगवान शब्द क्यों है, कुछ लोग कहते हैं भगवान का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भगवान को गॉड मानते हैं जी। तो जो लोग गॉड मानते हैं वो भगवान को गॉड समझते हैं, उसका अंतर नहीं पता उनको, इसलिए वो गॉड में और भगवान में एक ही बात समझते हुए झगड़ा करते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो बात बताई है उसमें कोई चमत्कारिक या कोई गॉड वाली ईश्वर वाली बात नहीं है। आपको अगर भगवान शब्द का पूरा इतिहास या पूरी बात जानी है शब्द का, तो आपको तीन शब्द समझने होंगे जी। पहला शब्द है भाग। पाली यानी पुरानी भाषा, जो सबसे पुरानी भाषा है और जो बुद्ध के समय की, जिसमें बुद्ध ने अपनी सारी बातें बताईं, उसमें भाग का मतलब जो होता है पाली में, वो ऐसा होता है कि जैसे एक केक आया घर में और उसके चार भाग कर दिए, या कोई ज़मीन का हिस्सा कर दिया है कि ये मेरे तीन भाग या चार भाग हो गए, या कहीं खाने के दो भाग कर दिए, या कहीं कोई तनख्वाह मिली उसके तीन भाग कर दिए। भाग का मतलब है हिस्सा या पार्ट। आपने पुरानी कहावतें सुनी होंगी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे घरों में कहा जाता है, अरे सौभाग्यवती, अरे भागवान, अरे भाग जी, हमारे भाग। तो वो जो जितनी कहावतें बनी हैं वो पाली की भाषा से बनी हैं। सौभाग्यवती या सौभागवती का मतलब है कि जिसको 100 में से 100 हिस्से मिल गए, यानी कि अगर किसी को 100 में से 100 हिस्से मिल गए तो उसके तो मज़े आ गए, उसे तो पूरा मिल गया, तो इसलिए उसको कहते हैं भाई ये बड़ा सौभाग्यवान है, और बाद में इसको भाग्य बना दिया तो सौभाग्यवान है, यानी इसको 100 भाग मिल गए। तो जो भागवान होता है उसको हिस्से वाला बनाया जाता, तो एक तो भागवान ही आता है, भगवान नहीं है, ये ध्यान देना, भागवान है। दूसरा शब्द जो आता है वो आता है भंग से, भंगवान। अब भंग क्या है? पाली के जो शब्दावली है और पाली में जो पुरानी भाषा है उसमें भंग का एक सीधा सा मतलब दिया हुआ है। भंग का मतलब है कि किसी चीज़ को विखंडित करना, तोड़ना या डिसॉल्व करना, यानी उसमें घोलना। जैसे पानी के अंदर आपने चीनी घोली तो वो भंग हो गई, या आपने कोई कागज़ का टुकड़ा लिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर लिया तो विखंडित हो गया, वो भंग हो गया, यानी विच्छेदित करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना, इसको भंग बोलते हैं जी। तो भंग जो करता है उसको भंगवान बोलते हैं। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ भंग किया, जो एक ऊंची स्टेज है, ऊंची अवस्था है। क्या भंग किया उन्होंने? जब वो अपने घर से चले ये देखने के लिए कि दुख का कारण क्या है और दुख कैसे होता है, तो 6 साल तक वो सारे जो उस समय के पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल होते थे, जो जिनको गुरुकुल या आश्रम बोला करते थे, उनमें जाके उन्होंने सारी एजुकेशन जो वो सिखाते थे, क्योंकि शब्द तो थे नहीं और लिपि भी नहीं थी, तो जो मुँह से जिन्होंने अभ्यास करके या जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा है वो बताते थे। तो उन्होंने 6 साल तक लगभग सारी चीज़ें जो लोगों ने एक्सपीरियंस से इकट्ठी की या सीखी या जो उनका अभ्यास में आता था वो सीखा। मगर उन्होंने 6 साल का सारा अध्ययन करने के बाद कहा कि भाई मेरा तो दुख दूर हुआ नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता चला कि दुख होता आता कैसे, काम कैसे करता है, तो आप मुझे ज़्यादा शिक्षा दो। तो उन सब ने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो आज जो सीखी हुई जो शिक्षा है वो यही है, अब हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान का एंड वहाँ से हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं खुद सीखूँगा कि ये दुख होता कैसे। तो वो 6 साल की जो विद्यार्थी वो सीखी, और फिर उन्होंने अपना अभ्यास किया और अपना उन्होंने डेवलप किया। डेवलप करते समय उन्होंने कहा भाई दुख तो शरीर में ही होता है, बाहर से नहीं आता, क्योंकि कोई भी आदमी अगर दुख होगा, जैसे कोई खबर आपके पास आई और खबर ये आई कि आपका कोई प्रियजन है, उस आपके प्रियजन को कोई नुकसान हो गया, उसकी टांग टूट गई या एक्सीडेंट हो गया या उसका पैसा चला गया, चोरी हो गई, तो दुख आपको आया। जब तक वो खबर नहीं आई, जब तक आपको दुख नहीं आया, तो दुख जो आता है वो बाहर से आता है, यानी खबर नहीं आती तो दुख नहीं है शरीर के अंदर, खबर आई तो दुख है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम कैसे करती है, ऐसा जानने के लिए उन्होंने शरीर के छोटे 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 टुकड़े करते करते अपने मन के साथ अंदर उतर गए, और उन्होंने शरीर के छोटे छोटे हिस्से करते 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 सेल्स में पहुंच गए, और सेल्स से फिर वो अणु में पहुंच गए, और अणु से परमाणु में पहुंचे, और परमाणु जाके स्थिर हुआ, तो उन्होंने देखा कि सारा शरीर तरंग ही तरंग है, कंपनी कंपन है, वेव्स ही वेव्स है। तो इस तरह से उन्होंने अपना सारा शरीर भंग किया। इस भंग को भंग ज्ञान ही कहा गया, और भंग ज्ञान जो प्राप्त करता है उसको भंगी कहा गया, यानी भंगी वो अवस्था है, उच्चतम अवस्था है, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो बुद्ध के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए पहली है। यानी भगवान बुद्ध सबसे पहले भंग ज्ञानी बने, भंगी बने। तो भंग ज्ञानी और भंगी, तो उनको भंगवान भी बोलते हैं। इस भंगवान से कई लोग भ्रमित होकर भगवान बोलते हैं, बेसिकली भंगवान है या भागवान है। और तीसरा जो शब्द है वो है भव। भव के दो मतलब हैं। भव का एक तो मतलब है संसार, जीवन चक्र है, जैसे कहते हैं भव चक्र में पड़ गया, भव चक्र में आया,
भव चक्र में गया, ये भव चक्र से मुक्त हो गया। और भव का मतलब भवानी से भी होता है, भू से भी होता है, मतलब जमीन से जुड़े हुए जितने भी हैं संसार से, वो भय से बने हुए सारे शब्द हैं। और एक होता है भव का मतलब होना, यानी भवति अगर बोलते हैं या भवतु अगर बोलते हैं, इसका मतलब है होता है या हुआ है। तो जो भववान होता है यानी भवंतु होता है, जो होने को जान ले, यानी जो चीज़ें लगातार चल रही हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ होगी, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ होगी। आपने कार में पेट्रोल डाला, इंजन स्टार्ट किया, पेट्रोल डालने से इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने से वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने से बिल्कुल से रुकेगा, आगे किसी और चीज़ में जाएगा वो। तो ये एक से दूसरी, दूसरी तीसरी हो रही है, इसको भव बोलते हैं यानी होना बोलते हैं। तो जो इसके आखिरी चक्र तक पहुंच जाए, जैसे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के जो शरीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका आखिरी चक्र तक समझ लिया, तो उसको भवंतु बोलते हैं, यानी भव के अंत तक पहुंचने वाला बोलते हैं। तो भवंतु से ही शब्द बना भगवान, भगवान जो भव को जानता हो। तो भगवान, भागवान और भगनवान, ये तीनों शब्द हैं। बाद में ये एक तरह से भ्रमित होके या इनका एक अपभ्रंश बन के बोलचाल में तीनों शब्द मिक्स हो गए, लोग समझ नहीं पाए क्या है, तो इसको भगवान या भगनवान या भागवान करके भगवान पे जाके अटक गया। आप पूरा साहित्य उठाएंगे, पुराना भी और जो आज का भी है, तो आपको भगवान के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके आगे ये शब्द इस्तेमाल होता हो। ईश्वर अलग चीज़ है, देवता अलग चीज़ है, गॉड अलग चीज़ है और भगवान अलग है। इसलिए बुद्ध को भगवान बोलें या ना बोलें, मगर उन्होंने अपने शरीर को भग्न किया और वो सब जाना, इसलिए उनको भगवान कहा जा सकता है। भगनवान है बेसिकली शब्द है। बुद्ध के समय में और बुद्ध के समय के इतिहास में जो आपने जितने भी शब्दों के ये नाम लिए हैं, ये नाम कहीं है नहीं और ये वेदों में भी नाम नहीं है। जितने भी आपने ये ईश्वर देवता के नाम लिए हैं, ये वेदों में भी नहीं है। चूँकि बुद्ध ने बहुत उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया और वो ज्ञान आज तक भी उच्चतम है, उनसे अच्छा और उनसे बढ़िया ज्ञान जब तक मनुष्य रहेगा अभी तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगभग सारा का सारा मनुष्य खोल दिया और सारे मनुष्य के शरीर को खोल के ज्ञान प्राप्त किया है, अपने शरीर को खोल के ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन्हें पता है कि शरीर कैसे काम करता है और मन कैसे काम करता है। तो वो इतनी बड़ी उपाधि थी और इतना बड़ा ज्ञान था कि ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं, उस स्थिति को और उस उपाधि को अपने नाम से जाना चाहें या ले लेना चाहें, तो उन सब ने अपने आप को भगवान कह के या भगवान घोषित करके या लोगों ने उनको भगवान घोषित कर दिया कि भाई आपको भी इतना ज्ञान है या नहीं है। तो भगवान का प्रचलन इसलिए पड़ता चला गया और इसलिए लोग हर चीज़ के आगे भगवान है। बड़े बड़े आज भी बालचंद्र कह रहे हैं भगवान कहाँ गई, अपनी जैसे पत्नी को बोल देते हैं अरे भगवान कहाँ गई, भगवान कहाँ गई, तो बोल देते हैं। तो वो भाषा में आता चला गया, मगर शाब्दिक अर्थों के हिसाब से भगवान बुद्ध ही है भगवान। हर कंट्री में आपने भी देखा होगा कि हर कंट्री में, हर देश में, हर पूरे भारत में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर हिंदुओं को पूजते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बेसिकली अगर आप साहित्य उठाएंगे और आप पुराना साहित्य उठाएंगे तो उसमें तो हिंदू शब्द भी नहीं है। हिंदू शब्द तो मुगल राज के समय में बना हुआ है और इसको बताते हैं कि अलबरूनी की जो रचना थी अल हिंद करके, उससे ये हिंद शब्द लिया है। और हिंद शब्द के बहुत सारे मायने इतिहासकार बताते हैं कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, और बहुत सारी इसकी मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं ये यहूदियों से आया, जिनकी जो भाषा है वो हिब्रू भाषा है, वहाँ से आया, इसलिए इसको हिब्रू से हिंद बना। तो ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो, क्योंकि हिंदुओं की संख्या बहुत सीमित है और बौद्धों की और जो बुद्धिस्ट कल्चर के लोग हैं, धम्मिक कल्चर के लोग हैं, उनकी संख्या दुनिया में अघोषित रूप से नंबर वन है। नंबर वन इसलिए है कि लगभग 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते और जिनको एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट का मतलब है जो ईश्वर को नहीं मानते। तो वो 100 करोड़ लोग भी वही फिलॉसफी अपनाते हैं, वो बुद्ध का नाम नहीं लेते, मगर फिलॉसफी उनकी सेम वही है जो बुद्ध की है, क्योंकि वो गॉड का कहीं भी लेना देना बुद्ध ने कोई जिक्र नहीं है बुद्ध की फिलॉसफी में। और लगभग 200-250 करोड़ लोग ये हैं जो पूरे एशिया के अंदर फैले हुए हैं, और अब जर्मन में, जापान में, उसमें जर्मन में, यूरोप में, पूरे में और अमेरिका के अंदर, इनके अंदर बहुत तेज़ी से बुद्धिस्ट जो एजुकेशन है और बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसको लोग मान रहे हैं और वो फैल रही है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं कि भाई गॉड क्रिएटेड बाय मैन है, यानी आदमी ने गॉड बनाया है, गॉड ने आदमी नहीं बनाया। क्योंकि अगर गॉड ने आदमी बनाया होता तो जानवर भी गॉड का नाम ले रहे होते, और दुनिया में जहाँ किसी टापू पे आदमी मिलते हैं, आपको अकेले मिलते हैं, और उस टापू पे अगर आप वहाँ जाएंगे जहाँ कभी कोई और मनुष्य नहीं गया, तो आपको वहाँ ना मंदिर मिलेगा, ना मस्जिद मिलेगी, ना कोई गॉड का नाम मिलेगा, वो जानते भी नहीं गॉड क्या होता है जी। तो उनका बस अपना ही होता है लाइफ। सर, मंदिर की आप जैसे बात कर रहे हैं, ऐसी हम बहुत सारे बौद्ध विहार हैं और मंदिर हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर मंदिरों में मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, प्रसादे बढ़ते हैं, ऐसे बौद्ध विहार में क्यों नहीं होता?
नहीं, बुद्ध विहार में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बुद्ध विहार में कहीं कोई आपको चमत्कार का आश्वासन नहीं देता। वहाँ तो ये कहते हैं कि भाई खाना बनाना है, नहीं, तो एक श्रद्धा होती है, लोग जाते हैं प्रार्थना करते हैं। ऐसे बुद्ध विहार में लोग अपनी श्रद्धा रखने या प्रार्थना करने क्यों नहीं जाते? क्योंकि बुद्ध विहार में जो टीचर होते हैं वो उनको समझाते हैं कि आप श्रद्धा मत रखिए, आप पढ़िए जी, और पढ़ने का काम अच्छा होता है क्योंकि श्रद्धा वाला तो श्रद्धा के लिए मैं जाएगा। देखो श्रद्धा का सबसे आसान है, जैसे क्या है कि मैं एक व्यक्ति में श्रद्धा रखूँ तो मैं अपनी सारी मुसीबतें उसको दे देता हूँ कि भाई आप मेरा कल्याण कर दो, अब मेरी श्रद्धा आप में है, अब मैं नहीं जानता, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। और जिसको ये कह दिया कि भाई ये तो काम आपने करना पड़ेगा तो कुछ मिलेगा, तो वहाँ श्रद्धा करके करेगा क्या? तो बुद्ध विहारों में पहले दिन से ही एजुकेशन बताई जाती है कि यहाँ चमत्कार के लिए नहीं आना, यहाँ किसी श्रद्धा के हिसाब से मत आना, यहाँ आपको बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और जो उसका जो टीचर होता है उसे भी पढ़ना पड़ता है। और बुद्ध के समय में बुद्ध पूरे जीवन 45 साल तक पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, और उनके जितने भी स्टूडेंट थे, पीएचडी थे, मास्टर्स थे, बैचलर थे, इंटरमीडिएट के थे, सेकेंडरी एजुकेशन के थे, प्राइमरी एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन थी, वो सारी जो थेरा महाथेरा या सामने नियर के रूप से बनती थी वो सारी क्लासेस थी और उनको पढ़ना पड़ता था। वहाँ जो पढ़ेगा नहीं वो बुद्ध के यहाँ रहेगा नहीं, निकलो यहाँ से। लेकिन सर बाहर की कंट्री में बौद्ध विहार इतने खूबसूरत बने हुए हैं लेकिन इंडिया के बौद्ध विहार मतलब ऐसे ही छोटे मोटे बना रखे हैं, ऐसा क्यों? बेसिकली यहाँ जितने भी जो मंदिर आप देखते हैं जो भी है, क्योंकि मंदिर की कल्चर वेदों में नहीं है। आप अगर वेदों में देखेंगे तो वहाँ कोई मंदिर नहीं है, मंदिर का जिक्र भी नहीं है, वहाँ सिर्फ यज्ञ तक है, मंदिर नहीं थे। ये बेसिकली वो जगह थी जो सम्राट अशोक ने और उनके बाद के जो राजा थे उन्होंने यहाँ बनवाई। ये एजुकेशन के सेंटर थे, ये प्याऊ थी, ये अस्पताल थे, जानवरों के अस्पताल थे, यात्रियों के लिए रुकने के लिए साधन था, या कहीं कोई सामान रखने का या किताब रखने का पुस्तकालय था। यहाँ पूजा पद्धति नहीं थी भारत में जी। भारत में कोई भी पूजा पद्धति बहुत बाद की है, और मूर्तियाँ भी नहीं थी शुरू में, क्योंकि ना पत्थर था, ना छेनी थी, ना हथौड़ा था, तो मूर्ति भी कहाँ बनेगी। मूर्तियाँ बहुत बाद में बनी हैं। तो ये सारी जो बिल्डिंगें थीं, जब पुष्यमित्र सुंग ने और इस शासन को बदला, उसके बाद में ये सारी एजुकेशन के जो सेंटर थे इनको पूजा के सेंटर में बदल दिया गया जी। और पूजा से तो आप भारत की हालत देख रहे हो कि पूजा से देश आगे नहीं बढ़ते। जिन देशों में बहुत ज़्यादा ईश्वर भक्ति है या पूजा है वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता, ये तो पूरी दुनिया जानती है और हर देश को चलाने वाले पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है जी। तो इसलिए और उनके यहाँ जो रौनक है आप कह रहे हैं बुद्ध विहार में, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत डेवलप कंट्री हैं। वो अपने ऐसे सेंटर को जहाँ एजुकेशन सेंटर है, क्योंकि बुद्ध विहार उनके यहाँ एजुकेशन सेंटर है, आप विदेशों में अगर बुद्ध विहार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ रूम्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पढ़ाई का साधन अवेलेबल होता है, वहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप बुद्ध की फिलोसफी पढ़िए, अब वहाँ किताबें होती हैं, एक छोटी सी प्रतिमा कहीं किसी कमरे में हो अलग बात है, मगर वो कहीं ऐसा नहीं है कि लोटपोट होकर सारी चीज़ें उनसे मांगते, नहीं, उनके जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जिनको भिक्कू या भंते बोलते हैं, वो डेली कंप्यूटर पर 6-6 घंटे बैठते हैं और वो पूरी दुनिया से संवाद करते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बुद्ध की 45 साल की जो एजुकेशन फिलोसफी है वो ह्यूमन के ऊपर रिसर्च है, मनुष्य के ऊपर है, और मनुष्य के माइंड के ऊपर, मन के ऊपर है। तो मन बहुत वाइड है जो उन्होंने बताया था, तो उसको ढूंढते रहते हैं कि बुद्ध ने पाली में क्या कहा, इसको इसका क्या मतलब हो सकता है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं और उससे वो जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ वो एजुकेशन जब फैलेगी तो वो सेंटर बढ़ेंगे तो यहाँ भी बुद्ध विहार बड़े हो जाएंगे, और अगर वो एजुकेशन नहीं फैलेगी और लोग नहीं समझेंगे तो बुद्ध विहार बड़े नहीं होंगे।